गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू यू। तो देखिए स्टूडेंट, 9.2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे और जो हमारा चैप्टर है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर लाइक टर्म्स वगैरह, वेरिएबल वगैरह, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे, मल्टीप्लाई वगैरह इस टाइप के। तो देखो, हमने इसके पास भी टू है, इसके पास भी टू है, जिसके पास टू होता है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया था। आज हमें जिसके पास थ्री होते हैं ना, थ्री टर्म्स अगर हैं, जिसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, वैसे ये भी मैं आपको समझा दूंगा एक बार पूरा डिटेल से। तो जो ट्राइनोमियल है उसको हमें डिस्कस करना है, यानी कि हम क्या करेंगे आज, इसका क्वेश्चन करेंगे जो नंबर थर्ड है ना ये, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर थ्री टर्म्स आ रहे हैं। तो थ्री टर्म्स वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया अभी तक, तो हम एक तो इसका थ्री ये वाला कर लेते हैं। और देखो, ये अगर आप सही ढंग से समझोगे ना, तो आगे वाले सारे क्वेश्चन यहाँ तक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये सारे के सारे फिर एक ही कंसेप्ट से होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप सही ध्यान से समझेगा, और आगे वाले में आपको एक दो क्वेश्चन में और करवा दूंगा जिसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से समझिए, हो जाएगा तो ये बाकी सारे इन सब के अंदर सेम ही कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। देखिए अब इसके अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं सोल्व। यहाँ से देखिए, देखिए स्टूडेंट्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो थर्ड लिखा हुआ सामने, ये लिखा हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 एंड 2x+7। इससे आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ पर भी ब्रेकेट यूज़ में आ रहा है, यहाँ पर भी ब्रेकेट यूज़ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको जो एक्स स्क्वायर है ना, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, एक्स ये इस ब्रेकेट में आने वाले सारे नंबर, सारे टर्म्स, इससे अलग अलग मल्टीप्लाई करना है आपको। तो कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, वो पहले इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, मैंने इसको इसके साथ लिख दिया यहाँ पर, है ना। फिर जो माइनस का 5x है, वो भी इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर माइनस के 5x को भी इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिखा है। कैसे, मल्टीप्लाई का साइन कहाँ पर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ब्रेकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई काउंट करोगे। और जो प्लस का 6 है, ये प्लस का जो 6 है ना, इसके अंदर ये जो प्लस का 6 है, ये भी इसके साथ होगा मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, इसके अंदर नया कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को ही ध्यान से समझना है, क्योंकि वही है वापस, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रहे हैं वो सारे अलग अलग उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नया इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट है तो ये इससे कम्प्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर 3 होता तो वो 3 से हो जाता, 4 तो 4 से हो जाता, यानी कि अब है ना, आप चाहते हो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो। ये जो 2x है ना, इसको आप इस कंप्लीट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 जो है, आप इसको भी इसके साथ कंप्लीट अलग से, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें से सिंगल लेकर इसके साथ लिख रहे हो तो भी करेक्ट है, इसमें से सिंगल लेकर इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब इसको देखिए, ये सॉल्व कैसे होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखो तो नंबर तो है ना, तो 2 का 2 आएगा। इसके पास में एक्स की पावर 2 है, इसके पास में एक्स की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर को प्लस के 7 से करने से प्लस का 7x² आएगा, क्योंकि 7 भी अकेला है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा वापस, दूसरा एक्स है नहीं इसके पास में। माइनस का 5x को मल्टीप्लाई करना है प्लस के 2 से, तो क्या आएगा, -10। और ये भी एक्स और ये भी एक्स, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -10x², माइनस का 5 एंड माइनस का 7 कितना आ जाएगा, देखो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 35। एक्स अकेला सिंगल है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स सिंगल ही आएगा, -35। एक्स यानी कि क्या होता है, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होता है, नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर वेरिएबल है नहीं तो वो वेरिएबल वापस एक्स हो तो एक्स का एक्स ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। लास्ट वाला में देखिए, आप देखिए इसके अंदर 6 को 2x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या जाएगा, 12x। 6 को 7 से करना है तो क्या जाएगा, 42। सारे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखिए, यहाँ से कंसेप्ट आपको नया ये समझना है। यहाँ पर देखो, इसके पास में x की पावर 3 है, इस कंप्लीट में किसी के पास में x की पावर 3 नहीं है, तो ये अकेला लाइक टर्म है इसके अंदर, इसके पास में इसके जैसा कोई भी टर्म नहीं है, तो एक्स की पावर 3 तो ये तो अकेला का अकेला रहेगा। लेकिन देखो, यहाँ पर जो है ना, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, दोनों के पास में एक्स स्क्वायर है। अगर दोनों के पास में एक्स स्क्वायर है, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो हम इसको बोलते हैं लाइक टर्म,
हमने पीछे की क्लासेज के अंदर लाइक टर्म के बारे में भी डिस्कस किया है। तो ये लाइक टर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो प्लस का 7 और माइनस का 3 अगर लिखा, माइनस का 10 अगर लिखा हुआ है तो देखो माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, 10 बड़ा होता है 7 से, लेकिन जो माइनस में है तो वो क्या जाएगा इसके अंदर, देखो 10 जो है वो 7 से बड़ा तो होता है ठीक है, लेकिन अब आंसर तो 3 आएगा, लेकिन 3 कौन सा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव का जो नेगेटिव के पास में जो नंबर लिखा हुआ वो क्या है, बड़ा है ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी माइनस 10 और प्लस 7, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है। अगर पॉजिटिव बड़ा होता तो पॉजिटिव आंसर आता है इसका ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर के साथ में वो तो वेरिएबल तो हमेशा आई गई। सेम टू सेम इसमें देखिए, माइनस का 35x प्लस का 12x, तो माइनस का जो 35 है ये तो बड़ा है तो आंसर तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, कितना देगा, माइनस का 23। तो माइनस का जो 23 है वो साथ में क्या देगा, एक्स देगा। और प्लस का 42 सिंगल लिखा हुआ है तो प्लस का 42 देगा, क्योंकि बिना एक्स का कोई भी टर्म इसके अंदर है नहीं। अब देखो ये सारे आ गए ना, अब इसके अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद में अगर आपको लाइक टर्म दिखते हैं इसके अंदर तो लाइक टर्म को आपको सोल्व करना है और वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर जो भी आपके है सॉरी इसके अंदर जो भी आपके ये सारे आपको नहीं करने, इसके अंदर मैं जो आपको होमवर्क के अंदर बता रहा हूँ, एक तो आपको इसका होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 4th, ये जो है ना ये आपको होमवर्क करना करना है। सेम इसी मेथड से होगा, ये भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, और अगर आएगा तो मैं आप वैसे भी आंसर आपके साथ में शेयर करते हैं बाद में अपने जो क्लास के ग्रुप्स वगैरह बने हुए इसके अंदर। और एक हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आपको एक तो ये करना है और इसमें से कुछ भी नहीं करना है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे हमने कर लिए पहले से ही, ऊपर भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं इसके। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो ये है इसके अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 4th ना फाइंड, इसका फाइंड का हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, ये जो ना इसके अंदर P3PQR मल्टीप्लाई -4, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है ये वाला क्वेश्चन, ये हम कर लेते हैं इसका एक ठीक है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस नहीं आ रहा है, ये सारे एक सिंगल टर्म में ही है, तो ये कैसे सोल्व होगा ये भी समझ लीजिए आप। देखिए इसके अंदर 4 का जो 3rd लिखा हुआ है, 3PQR -4P2QR³ -7PQ⁵ एंड R, यहाँ पे हो गया ये। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करना है और सारे है ना ये सिंगल टर्म, देखो ये भी है ना ये सिंगल टर्म ही काउंट होगा, क्योंकि इसके बीच में है ना कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, ये सारे एक साथ ही मल्टीप्लाई में काउंट होते हैं, ये भी सारे मल्टीप्लाई में एक साथ काउंट होते हैं, ये भी सारे मल्टीप्लाई में एक साथ काउंट होते हैं। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो नंबर कैसे, यहाँ पर ब्रैकेट ब्रैकेट तो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है ना, इसलिए इधर मल्टीप्लाई इधर माइनस, दो साइन में इसके अंदर साथ में कभी भी नहीं आ सकता। अगर साथ में आप यूज़ में ले रहे हो तो आपको ब्रैकेट यूज़ में लेना पड़ेगा, यानी कि ये सारे मल्टीप्लाई में है, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन काउंट है, सबके बीच में मल्टीप्लाई मानना पड़ेगा आपको ना। तो देखिए इसके अंदर इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 कितना देगा 12, 12 × 7 आ जाएगा 84, ये मैंने लिखा है 84। कैसे माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस के बना देगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता। तो देखो सबसे पहले तो हमारा नंबर का हो गया मल्टीप्लाई, अब आप चलिए वेरिएबल के पास में। अब कोई बात कर सर, आपने पीछे वाले क्वेश्चन में तो एक ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ नंबर अंदर सबसे मल्टीप्लाई किया था, सबसे कब किया था, जब इसके बीच में प्लस होता ना तो होता, ये सारे ये पहले से ही सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं ठीक है। जैसे अगर 2x लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको 2y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इस टाइम में अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है ठीक है ना, इन दोनों के पास एक एक टर्म ही माना जाता है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई। अगर ऐसे लिखा हुआ होता ना 2x इन ब्रैकेट 2+y, तो ये अलग होता, ये इससे अलग होता और इससे अलग होता ठीक है ना, ऐसे करना आपको ठीक है। पी इसके पास 1 टाइम, पी इसके पास 2 टाइम, पी इसके पास 1 टाइम है ना। तो जो सारे जो लिखे हुए हैं ना इसके अंदर, तो आप इसको काउंट करो, पी कितनी बार आ गया, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 1 टाइम, टोटल आ गया 4 टाइम। यानी कि पी अगर 4 बार मल्टीप्लाई में लिखा है तो मैं इसको पी के पावर क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है ओके। और क्यू देखिए, क्यू इसके पास आ गया 1 टाइम, क्यू इसके पास भी 1 टाइम और क्यू इसके पास में 5 टाइम, तो 5, 6 और 7, क्यू कितने बार आ गया, 7 टाइम, तो यहाँ पर क्या देगा, क्यू की पावर 7, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। और आर देखिए, इसके पास 1 टाइम, इसके पास 3 टाइम, इसके पास 1 टाइम, तो 1 एंड 3, 4 एंड 5, यानी कि आर भी कितने बार आ रखा है, 5 टाइम आ रखा है, तो आर की पावर क्या जाएगी, 5।
देखो इसमें कंफ्यूजन आपका ये रहेगा कि सर क्या आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में तो है ना ब्रैकेट के साथ में अलग अलग से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ से समझिए आप, मैं आपको बता दूँ एक बार वापस। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने इस कंप्लीट के साथ में मल्टीप्लाई किया था अलग से, क्यों क्यों देखो तो इसके बीच में क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन है ना, इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन है, माइनस जो है वो आगे की साइड है, तो ये माइनस है ना ओनली इस फोर के साथ में काउंट होगा, इसके बीच में कहीं पर भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बीच में नहीं है, यानी इसको तो हम बाइनोमियल बोलेंगे, इसमें हम कहेंगे इसमें टू टर्म्स है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, इसमें ये पूरा एक सिंगल टर्म मानते हैं क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं है, बीच में कोई साइन होगा तो हमें उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। ये सारे ना ये सारे एक साथ ही लिखे हैं मल्टीप्लाई में, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थ्री मल्टी पी मल्टी क्यू मल्टी आर मल्टीप्लाई माइनस फोर, फिर मल्टीप्लाई ऊपर लिख देता हूँ मैं, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर की पावर थ्री मल्टीप्लाई माइनस सेवन, फिर जो आगे बचा हुआ ना ये पी क्यू आर, इनको भी मल्टीप्लाई, यानी कि सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई भी साइन इनके प्लस वगैरह नहीं आ रहा है, माइनस जो आ रहा है ये माइनस के बाद को ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो ये माइनस ओनली सेवन के साथ काउंट होता है, ओके। तो आपको इसको ऐसे करना, थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी, अगर समझने में दिक्कत तो भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको आगे वाले क्वेश्चन से आपको समझ आएगा, और वीडियो को वापस भी देख लीजिएगा अगर समझने में दिक्कत है तो, ओके। तो होमवर्क मैंने आपको बता दिया, वो आपको होमवर्क करना है इसका, एंड आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड वीडियो को लाइक करना है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू सो मच। और जैसा आपको नोटबुक्स चेक करने के लिए बोला है वैसा आपको नोटबुक्स भी आपको अपने स्कूल के अंदर सबमिट करवानी है, ओके, थैंक यू।